फ्रेंड्स, मैं सुमित्रा सिंह मेला तूफान चैनल की ओर से आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी कि कलश यात्रा कैसे करें और इसके क्या पुण्य हैं। दोस्तों, ये मैं रियल आप लोगों को दिखा रही हूं वीडियो कि कलश यात्रा कैसे करें और इसका क्या पुण्य मिलता है। तो चलिए जानते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कलश यात्रा करने के लिए, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा देश जो भारतवर्ष है वो धार्मिक प्रधान देश है। यहाँ धर्म कितने भी अलग अलग हैं, अनेकताओं के बीच एकता है। तो धर्म धार्मिक हमारा देश है, धर्म को मानता है। तो आज मैं बात करूंगी कि इस समय जो कलश यात्रा है, तो कलश यात्रा कैसे कर रहे हैं। तो कलश यात्रा जो महिलाएँ कर रही हैं, वो सबसे पहले तो हमारे धर्म में पीला साड़ी या लाल साड़ी को शुभ माना जाता है, व्रत त्यौहार शादी ब्याह में। तो जितनी भी महिलाएं आप लोगों को दिख रही हैं, वो पीले और लाल साड़ी पहनी हुई हैं। तो कलश यात्रा करने में पीले या लाल साड़ी आप पहनें। और कलश यात्रा के लिए कलश की कुछ रकम कहें तो कुछ दी जाती है, जैसे कि 101 रुपया यहाँ एक महिला दिखा रही है। उसके बाद फिर कलश को लेने के लिए रसीद दिखाने के बाद कलश लिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जितनी भी महिलाएं हैं वो लाल और पीली साड़ी में लिपटी हुई हैं, और यहाँ का पंडाल भी बहुत सुंदर सजा हुआ है। चारों ओर बहुत धूमधाम है और श्रद्धा भक्ति सभी के अंदर देखने को मिल रही है। तो इस तरह से ये व्रत जो है, ये कलश यात्रा जो है, ये बहुत ही पुण्य देने वाला है। तो कैसे पुण्य देने वाला है, तो आइए जानते हैं। देखिए, अब कलश के लिए महिलाएं जो हैं वो चलने लगी अपने अपने कलश को लेकर, और कलश को लेके जाते हुए एक तालाब या नदी कहीं से भी पानी इस कलश में भर के और फिर घूमकर यहाँ आना है जहाँ से कलश पंडाल से उठाया गया था, और वहाँ पे रखना है। और इसके पुण्य क्या हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि कलश यात्रा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ज़िंदगी की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। वैसे भी ये जो कलश यात्रा है, ये भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के लिए किया गया है इसका आरंभ। तो इस कलश यात्रा में हमें भगवद गीता जो है वो जीविका नहीं, जीवन है। तो हमें जीवन का ज्ञान भी इस कलश यात्रा इस भगवद गीता ज्ञान यज्ञ से होने वाला है। तो इसका पुण्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हर मनुष्य का कोई ना कोई समस्या होता है, तो उस समस्याओं को दूर करने के लिए ये कलश यात्रा बहुत ही धार्मिक पुण्य से भरा हुआ माना जाता है, क्योंकि इस कलश यात्रा के थ्रू सभी अपने संकट, अपनी जो भी समस्याएं हैं उसको सच्चे दिल से भगवान के सामने रखते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और राधे राधे कमेंट में जरूर लिखें, जिससे कि आप भी पुण्य के भागी बने और आपके मन में भी धार्मिक विचार आए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।